क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां हर साल 30 लाख जहरीले सांप पैदा होते हैं। जिस तरह हमारे देश में चिकन और अंडों के लिए मुर्गी फार्मिंग की जाती है, उसी प्रकार चीन के एक गांव जीसी कियागो में स्नेक फार्मिंग की जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इस गांव में साल भर में 30 लाख जहरीले सांप पैदा होते हैं, जबकि इस गाँव की आबादी करीब 1000 है। यानी इस गाँव में हर एक आदमी पर साल भर में 30,000 सांप पैदा होते हैं। यहाँ पर पाले जाने वाले सांपों में अजगर, कोबरा, वाइपर जैसे खतरनाक और जहरीले सांप शामिल है। स्थानीय लोगों को जिस सांप से सबसे ज्यादा डर लगता है वो है फाइव स्टेप स्नेक। इस सांप का नाम फाइव स्टेप रखे जाने के पीछे दिलचस्प वजह है। आम लोगों का मानना है कि इस सांप के काटने के बाद आपकी मौत महज 5 कदम चलने के दौरान हो जाती है। यहाँ पर सांपों की खेती उनके मांस और उनके शरीर के अन्य अंगों के लिए की जाती है। सांप का मीट चीन में शौक से खाया जाता है, साथ ही इसके शरीर के अंगों का उपयोग चीनी दवा उद्योग में होता है। इस गांव को पहले मुख्य रूप से हांगजो पर्वत और चाय, जूट तथा कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान स्नेक फार्मिंग है। इस गांव में स्नेक फार्मिंग की शुरुआत गांव के ही एक किसान यांग होंग चैंग ने की थी। यांग होंग चैंग पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि युवावस्था में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और खुद का इलाज करने के लिए उन्होंने एक जंगली सांप पकड़ा था। इसी दौरान उन्हें सांप से जुड़े कारोबार करने का ख्याल आया और उन्हें सांपों को पालना शुरू किया। सांप से जब उनकी आमदनी बढ़ने लगी तो गांव के दूसरे किसानों ने भी यह तरीका अपनाया। इस छोटे से गांव में करीब 100 से अधिक स्नेक फार्म है, जहां आप लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में इन सांपों को बखूबी देख सकते हैं। सांपों को एक जगह से दूसरी जगह प्लास्टिक के थैलों में भरकर भेजा जाता है। सांपों को फार्म हाउस से बूचा खाने में ले जाने के बाद सबसे पहले इनका जहर निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है। इसके बाद सांप को काटकर उसका मीट निकाला जाता है। चीन में ऐसा माना जाता है कि सांप के मीट से बना सूप इम्यून सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक होता है, जबकि दूसरी तरफ कई सांपों को सर काटने के बाद सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन सांपों का उपयोग दवा उद्योग में दवाई बनाने के लिए किया जाता है।